जरा मजी मला लादी कभी उठा के भजन सीधे सीख रहा एक मिनट बात। अस्सलामुअलैकुम जी, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें। आराम की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, कल आपको पता है खांसी हो रही थी और ये बार बार जो है नहा रहा है और पीला पीला हो रहा है, इसकी जा रहे हैं दवाई वगैरह लेने के लिए। तेज़ रात से बहुत तेज़ बुखार है, रात उसको दवाई वगैरह दी है, अभी ये कह रहा है अबू कह रहे हैं यहाँ से चलें दवाई वगैरह लेने के लिए, और इसने हाथ में देखे पैसे वगैरह भी पकड़े हुए हैं। 10 रुपए की दवाई लोगे? दवाई लोगे? अच्छा प्रवीण, वहाँ पे जो है ना सांपों का जो है ना मेला वगैरह लगा हुआ है और इंसानों को ऐसे जो है ना बेवकूफ़ बनाता है, सारे लोग जमा हो जाते हैं। मैं भी देख के आया हूँ कल, आपको देखना है, बड़े बड़े सांप हैं, डरोगी तो नहीं? और काले सांप भी हैं, ऐसे तीन चार किस्म के सांप है, हम देखो डर रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं सांप को ऐसे ऐसे लगते हैं। तो अभी चलते हैं, वो देखिए हमको मोटरसाइकिल स्टार्ट होता नहीं, इसको पहले बिठाओ। ये भी कह रहा है मेरी टांग को। अरे हाथ में पड़ के बैठ जाओ आराम। अब्बू का चश्मा देने जा रही हूँ। मैंने ढूंढिया पता नहीं, मुझे नहीं मिल रही थी, ये कहाँ रखी थी? पर ये एक मिनट, ऐसे नहीं बैठना, बेहतर है ना साफ कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि नीचे गिर जाए। अरे बाय बाय। अस्पताल में चलते अम्मी लोग तो जी चले गए हैं, इन्होंने पीछे भी मुड़ के नहीं देखा। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है और ये बेड शीट वगैरह भी धोई है, एक उस तरफ हो गई है और एक ये हो गई। हम लोग अस्पताल जो है ना पहुंच चुके हैं आराम की दवाई वगैरह लेने के लिए, यहाँ आए हैं सरकारी अस्पताल में, और एक जगह इसको दम करवाना था। मैंने समझा ये बार बार नहाता है, इसका हाँ मांदा होता है, जिगर जो इसकी गर्मी होती है, तो मैं बोला इसको रेतरी है तो झड़वा लूँगा। वो बाबा नहीं मिला तो बाबा दवाई भी लेके देता है, वो झाड़ता भी है, उससे बच्चे जो है ठीक हो जाते हैं। मेरी बहन के बच्चों को भी अक्सर होता है, वो ठीक हो जाते हैं। अभी चलते हैं अंदर अस्पताल से जाके दवाई लेते हैं। चलो प्रवीण, दुकान का सामान भी शहर से जो है ना ले लिया था। और आराम ने जो है ना दवाई वगैरह ले ली है, मुझे भी मैदे की दी है। मैदे की जो दवाई है वो कह रहे हैं परमानेंट आपको खानी पड़ेगी जब तक ज़िंदगी भर के लिए। तो अभी दवाइयाँ और मेडिकल स्टोर पे लेके दी हैं, वो भी लेनी है। आराम बहुत ज़्यादा रो रहा है पापड़ के लिए। इस नागपुर देखना भी स्वभाव है, कई लोगों ने नागपुर रखना कड़ा स्वभाव है। रब्बे करीम, उतने देर तक मेरी मौत ना करना जितने देर तक मेरे को अपने आखिरी नबी की ज़ियारत ना करा। कारण मैं तुम नाग दिखावा प्यारे भाजन, जिस कमर के विच मैं नाग को अपने हाथ नाल पकड़े था, 70 किलोमीटर जिला बिहारी को पीछे थे। आज तो मेरे भाजन तकरीबन 15-16 जड़े पहले भाजन ने मैं नाग पकड़ी था, उतना देर मंडी तक तो मजमा लाते भजन अगर गौर करना, मंडी तो मजमा लाते मैं जिम्मे वापसी बाहर निकला ना, अगू मेरे भाजन एक हैड आते हैड लूटन, उन्हें नाल एक जखीरा है, सारे इतों के व्यापारी भाई भजन उतें लूटन मंडी करने वास्ते। मैं मंडी करके वापसी आता पिया, जिस वे मैं हैड लूटन क्रॉस किया, मैं जखीरा क्रॉस किया, रोड के किनारे नाल त्रै चार बंदे भजन मैं सोटिया चाहते भाई जगह आवाज ही कोई मार दो मार दो। जब ये गाड़ी भजन नजदीक गई है ना, मैं भाई को आता मैं गाड़ी को स्लो कर, बुजुर्ग को पूछा मैं बाबा जी खैर दे क्या घूम रहे बदो, तो लड़ी पै गई आके नहीं, मैं वो जमींदार रोल है आके नहीं जी भजन आओ तो आपको मैं दे रू से लाओ जी। अगर गौर करना मेरे भजन नाग वाला शुगल देखो छोड़ो तुसा सारे गल खानसा लो, उस बुजुर्ग को पूछा मैं बाबा जी खैर दे सोटा डांगा चाहते बदो जी मुसलमान का काम होंगे, बोलो मेरे भाई लाओ ये नाग वाला शुगर देखो प्यारे भाजन, इस नाग को मैं अपने हंधी लाओ एक मिनट वास्ते, नाग का शुगर देखो, इस नाग की मस्ती देखो, इस नाग का प्रोग्राम ही देखो, ये मन गया ना मुराद होंगी, ना मरना मुराद नहीं होंगी, लाओ एक मिनट वास्ते नाग का शुगर देखो। चल भाई लाओ जी तवजो करना जी, एक नाग नहीं मैं पकड़ी था कब्रस्तान के विच, एक नाग नहीं पकड़ी था जोड़ा पकड़ी था, एक नारा है एक माता है, मगर उतो देना बरदार ने खान साहब भाई सुभान अल्लाह सुजाया थी वैसे नाग में चाहते वैसा मैं दोस्तों गुरी के साथ मेरा मत, ये कोई छजरी वाला सर नहीं, कोई पखे वाला सर नहीं, कोई फान वाला सर नहीं,
कई लोगों को मुश्किल आ सर, कई लोगों को गुब्बारा ना सर, सारे सराय की बिराई को मुश्किल आ सर। आने जाए को लाड़ मैंने मुश्किल नारा दिए, खंग दे नारा दिए सही खुश के लाओ जी। अगर गौर करना जी छोटा जरा मुश्किल नाक तले पे हो ना मरे पे, काल मैं नौलू के नाले में झटका रे हैं, नौलू को तले खोलना मेरे भाजन। लाओ जी तवज्जो करना मेरे भाजन, नौलू जी ने चक मारस ने मुंह धोते, लाओ जी सुनाक दे मौत ठीक ही है मेरे भाजन। आज मैं तक शुगर लिखावना मुश्किल नाक नाल कहना, आज मैं तक शुगर लिखावना वे नाक नाल नौलू का नाक का। लाओ मैं तक पानी वाला लकीर मार तो मेरे उत्ते पानी सट तो कट आज बच्चे भी तले खोलने कुछ आ रहे हैं मुश्किल नाक ने। मांदरी दम गांजू सुल्तान परड़ा तोड़ा तोड़िया चढ़ा गुगा चौहान, हाथ गुगे दे खूंडी सिर नंगा दस्तान, सांबना माने इस पीर का कहना है दो तो दो तो चार, पर हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो जी नाग वाला शुगल देखो बेटा है ना, ये काला मुश्किल नाग एक तले खोल दो अपने हाथ ना, ते मेरे को नाग चार जरा अगर गौर करना जी रंगा वाला नाग है। लो जी सारे भाई ने डूरू कदम कलमे को मंदिर लकीर का नजदीक थी और छा दे और मैं शुगल लिखाना इस नाग का। 12 बजे टोल बजो चार रास्ते खुला, किसी भाई ना जोर पाबंदी नहीं, पता है मैं को मैं उठे जेरी भी चीज का मौसम हो, फर्ज किता गाजर का मौसम है तो गाजर रहा दो, अगर मूली का मौसम है तो मूली रहा दो, अगर गन्ने का मौसम है तो गन्ना रहा दो। अल्लाह करे गाजर मूली गन्ना उतो पक बने जवान थी बने, अपने वसीब के अंदर गौर करो, खाल का टुकड़ा चाहते बच रखो उस माजी गांव को भजन खवा दो, जितने दिक्कत जिंदगी है वो माजी गांव पीछा नहीं करे, मगर मुफ्त के गाने सारे नसीब आज नहीं। 3500 टेस्ट होवन 6000 दंत वाय होवन तब ये दुरुस्त थे नहीं, जरा कदमा जबाद के मन करे सारे मुसलमान एको गल करे ना आ लव सा जनो ए ठाके जरा मजमा लागे ने उठा के जरा खीरे पानी पा करो जी के मैंने ईमानदार जरा ना पे मीटर नाल कटेगा दा नालो हाजी चौधरी साहब ने जरा बने नल के दी अति ला दे वे जो खान दा जरा मजमा ला लादी करे उठा के भजन सीधे ठीक करो एक मन वास्ते। मम्मी और अब्बू जो है ना दवाई वगैरह लेके आ गए थे, लेकिन उस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा शदीद गर्मी थी तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। और अभी जो है ना टाइम तकरीबन 4 का हो रहा है, मौसम थोड़ा बहुत सा ठंडा हो गया है, तो मैंने कहा चलें अभी जो है ना आप लोगों को बता देते हैं और साथ साथ आप लोगों के साथ मज़ीद भी आगे चीज़ें शेयर करते हैं। तो आप लोगों ने हमारे साथ ही जुड़े रहने, और अम्मी और अब्बू गए थे सांपों का मेला भी देखने के लिए गए थे और हम की दवाई भी लेने के लिए गए थे। और जब हमने सांपों का मेला देखा, अब व्लॉग वगैरह बना के आए थे, तो इतना कोई बड़े बड़े सांप थे ना, हम देख के हैरान रह गए। अभी जी हम चलते हैं बाहर, दोपहर में जो है ना चाचू ने बाहर चरपाई डाली हुई थी, बाहर जो है ना चाचू सो रहे थे और चाची जो है ना अभी कह रही है कि चरपाई जो है ना बाहर से उठा के ले आओ, ऐसा ना हो कि कोई चरपाई उठा के ले जाए। तो मैंने आरिफ को बुलाया, मैंने कहा हम जो है ना ये चरपाई जो है ना यहाँ से उठा लेते। अच्छा जी आज जो है ना हमारे जो मामू हो गए, अम्मी के चचाजाद भाई हो गए, आज जो है ना उनकी जो है ना बीजे की जो पनीरी हो गई उन्होंने आज काश्त की है, और कल जो है ना हमारे नानू लोगों की है। क्योंकि आप लोगों को पता है एक तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है ना सब जो है ना मुल पे जो है ना ये पनीरी वगैरह लगवा रहे हैं, कोई खुद से नहीं लगा रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी, आपको पता है शदीद गर्मी है, तो इतनी शदीद गर्मी में कोई भी ये पनीरी वगैरह खुद काश्त नहीं कर रहा। आज जो है ना हमारे मामू लोगों ने मुल पे लगवाई है, तो वहाँ पे जो है ना सारी औरतें लगा रही थी, और कल जो है ना हमारे नानू लोगों ने मुल पे लगवानी है, वहाँ पे जो है ना सारी औरतें लगवाएंगी। और हमारी जो है ना अभी तक बीजा देखें काफ़ी माशाल्लाह बड़ा हो चुका है, अभी तक ना ही हमारे हल लगे हैं ना ही वसाले, जो पिछले हल लगवाए थे उसके भी अभी तक हमने जो है ना पैसे वगैरह नहीं दिए हैं। अभी हल भी लगने हैं और पनीरी भी हमें खुद ही काश्त करनी पड़ेगी, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना शदीद गर्मी है क्योंकि मूल पे लगवाने के लिए जो है ना तकरीबन पैसे भी लगेंगे, खाना वगैरह भी खाते हैं और बोतल वगैरह भी पीते हैं, तो जिसके जो ना वसाइल नहीं है। तो अभी देखते हैं कि सबकी पनीरी तो जल्दी काश्त हो जाएगी, लेकिन हमारी पनीरी जो है ना फिर टाइम लेगी क्योंकि यहाँ से फिर पनीरी को निकालें, फिर वहाँ पर हल वगैरह पता नहीं कब लगते हैं, फिर जो है ना इसको खुद काश्त करें शदीद गर्मी में, हमारी पनीरी जो है ना पता नहीं कितना ये टाइम ले जाएगी। लेकिन आज जो है ना मामू लोगों की हो चुकी है मुकम्मल फाइनली, और कल फूफो लोगों की। देखिए हमारी पनीरी काफ़ी जो है ना बड़ी हो चुकी है, चाची की चपाई जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने ला के डाल दी है, यहाँ पर नहीं रखनी, यहाँ पर घास भी लेंगे, घास भी दो तो ला के खींच लेंगे।
इसी के साथ हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे न्यू व्लॉग में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो का लिंक भी आगे शेयर कर देना। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे न्यू व्लॉग में, दुआ में रखना याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।